हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ब्रगु। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले सोमी की रेडमी सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, रेडमी K20 और K20 प्रो, जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्मार्टफोन रहे थे। और अब लॉन्च होने वाले हैं रेडमी K30 और K30 प्रो, जो कि आज मैं बात करूँगा रेडमी K30 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। और दोस्तों, इसकी काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन लीक होकर सामने आ चुकी हैं, जिससे कि दोस्तों ये कन्फर्म हो जाता है कि इसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, सोमी की रेडमी सीरीज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होंगे 2020 में, उन सब में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये एकदम कन्फर्म है। और इसके साथ ही आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रेडमी K30 प्रो स्मार्टफोन के बारे में कि इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है और क्या होगी इसकी इंडियन प्राइस और कब तक ये आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिजाइन से। तो इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉस ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा। और इसी के साथ आपको क्वाड कैमरा सेटअप विद LED प्लस देखने को मिल जाएगी। और बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले फुल रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पैनल होगा। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड सेल्फी के लिए अंडर डिस्प्ले पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। एंड वहीं पर बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर विद 5G के सपोर्ट के साथ। और इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि बेस्ड होगा MIUI 11 पर। और दोस्तों, ये 3 रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च होने वाला है, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 256GB एंड 12GB प्लस 512GB। एंड अब बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो इसमें आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा। और इसी के साथ आपको 3 लेंस और मिलेंगे, जो कि होंगे 28 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 18 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस एंड 8 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग सेंसर। एंड फ्रंट साइड में आपको सेल्फी के लिए डुअल पंच होल सेल्फी कैमराज देखने को मिल जाएंगे, जो कि होंगे 36 एंड 26, दो कैमरा लेंसों का यूज किया गया है। एंड अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसमें आपको 4800mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, विद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 65W के सुपर फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करती है। और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक एंड पेस अनलॉक जैसे फीचर भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और लॉन्च रेट के बारे में। तो दोस्तों, इसकी बेस ब्रांड की प्राइस होगी इंडियन मार्केट में अराउंड 20,000 रुपीज। और दोस्तों, ये इंडिया के अंदर 2020 में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।